दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप पूरी दुनिया घूमने निकलें, तो आपको पूरी दुनिया घूमने में 70 साल का समय लग जाएगा, वो भी तब जब आप बिना रुके ट्रैवल करते रहें। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि केवल एक जिंदगी में पूरी दुनिया का सफर कर पाना असंभव है, और ये धारणा सही भी है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हर रोज पृथ्वी पर कुछ ना कुछ अलग होता है, जिस वजह से अलग अलग जगहों को खोजा जाता है। इनमें से कई जगहें तो ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है, और कई बार तो वैज्ञानिक भी इन जगहों की मौजूदगी से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जिस वजह से आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया की 8 बेहद ही विचित्र जगहों के बारे में, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। एउसेन गेट माउंटेन, जिसे रेनबो माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, अगर आप इस पहाड़ को जमीन से खड़े होकर देखें तो ये आपको एक आम सा पहाड़ दिखाई देगा, लेकिन इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद आप इस जगह दुनिया के सभी रंगों को देख सकते हैं, जिसे देखकर आपको यही लगेगा कि ये पहाड़ किसी दूसरे ग्रह का है। ये पहाड़ पेरू में स्थित है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। कई सालों तक इस पहाड़ पर रिसर्च करने के बाद ये तथ्य सामने आए कि ये जगह केमिस्ट्री का कमाल है। इन पहाड़ों में आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन की भरपूर मात्रा है, और इन्हीं दो मटेरियल की अत्यधिक मात्रा पहाड़ में होने की वजह से यहाँ लाल और बाकी अन्य रंग देखे जा सकते हैं, जिस वजह से ये पहाड़ बेहद विचित्र है। लेकिन इस जगह घूमना किसी सपनों के रंग बिरंगे पहाड़ों पर घूमने के जैसा है। डेविल कैटल। डेविल कैटल का हिंदी में मतलब शैतान की केतली होता है, और इसे ऐसा नाम इसके बेहद विचित्र अनोखे पन की वजह से मिला है। दरअसल मिनेसोटा में बहने वाली ये नदी एक झरने के पास आकर दो हिस्सों में बट जाती है। इसकी एक धारा तो जाकर वापस नदी में मिल जाती है, लेकिन इसकी दूसरी धारा का क्या, जो एक रहस्य है, क्योंकि वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि इसकी दूसरी धारा के साथ क्या होता है, जिस वजह से वैज्ञानिकों ने शोध करने के लिए इस पानी में स्याही को मिलाया, और उन्होंने देखना चाहा कि आखिर ये स्याही की धारा निकलती कहां से है। लेकिन चौंकाने वाले तथ्य वैज्ञानिकों के सामने आए, और उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां से ये पानी बाहर आया हो। इसी बेहद रहस्यमय घटना की वजह से इस जगह को डेविल कैटल यानी शैतान की केतली नाम दिया गया है। फायर ईगल नेस्ट, साइबेरिया। अगर किसी जगह जाने पर आपको कोई अजीब सी अदृश्य शक्ति महसूस हो, तो वहां आप जाना नहीं चाहेंगे, और ऐसा ही कुछ इस जगह होता है। ये किसी घोंसले की तरह दिखने वाली जगह साइबेरिया के जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ रहने वाले लोग इस जगह को भूत प्रेतों से जोड़ते हैं। इस पर्वत की सबसे विचित्र बात यह है कि इस जगह के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इस पर्वत का निर्माण कब और कैसे हुआ, यह भी किसी को नहीं पता है। कई लोगों का मानना है कि इस जगह का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ होगा, लेकिन यह धारणा बिल्कुल ही गलत है। इस पहाड़ के चारों ओर स्थित पेड़ बेहद ही लंबे और हरे भरे हैं। साथ ही इस जगह जो भी व्यक्ति पहुंचने की कोशिश करता है, उसे बेहद तेज सिर दर्द होने लगता है। 2005 में एक साइंटिस्ट जो इस जगह के सबसे पास पहुंचे थे, उनकी मौत इसी जगह हार्ट अटैक से हो गई थी, जिसके बाद साइंटिस्ट ने इस जगह के ज्यादा पास ना जाना ही बेहतर समझा, जिस वजह से ये जगह अभी भी एक रहस्य है। मिस्टीरियस स्पॉट, सेंटा क्रूज, कैलिफोर्निया। दोस्तों, इस विचित्र जगह को 1939 में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा खोजा गया, और 1940 में जॉर्ज प्रैथेयर के जरिए इस जगह को लोगों के लिए खोला गया था। उनका इस जगह के बारे में मानना है कि जब उन्होंने इस जगह को ढूंढा था, तब उन्हें महसूस होने लगा कि यहाँ कुछ अदृश्य ताकतें काम करती हैं। उनका इस जगह के बारे में यह दावा था कि यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र कुछ अलग ही प्रकार से काम कर रहे हैं।
यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र 150 वर्ग मील के गोलाकार क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसे मिस्ट्री स्पॉट कहा जाता है। यहाँ पानी का ऊपर की तरफ बहना, मैग्नेटिक कंपास का अजीबोगरीब तरह काम करना और किसी चीज को नीचे की तरफ गिराने पर उसका ऊपर की तरफ जाना बेहद विचित्र है। इस जगह को बेहद विचित्र डिजाइन दिया गया है, जिससे यहाँ खड़े लोग अलग अलग एंगल पर उल्टे सीधे नजर आते हैं, जिस वजह से ये जगह लोगों के बीच रोमांचक बनी हुई है। मूविंग माउंटेन। दोस्तों, ये सुनने में बेहद अजीब लगता है कि कैसे कोई पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह चलकर चला गया हो, लेकिन आज जिस माउंटेन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो वाकई में एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी हर रहस्य की तरह एक साइंटिफिक वजह है, और इसके पीछे जो वजह है वो है रेत से बना माउंटेन। इस जगह हर साल आंधी आने की वजह से या फिर जोरदार हवा की वजह से यहाँ स्थित पूरे के पूरे माउंटेन का रेत एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चला जाता है, जिससे कि ये माउंटेन अगर आज एक जगह पर है तो दूसरे साल वो उस जगह देखने को मिलेगा जहाँ की तरफ पूरे साल हवा चली होगी। हर साल ये पहाड़ 20 मीटर अपनी जगह से खिसक जाते हैं और ये माउंटेन सदियों से ऐसे ही मूव कर रहे हैं, लेकिन बीते 10 सालों में वैज्ञानिकों ने इन पहाड़ों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ली है। हर साल जब वैज्ञानिकों ने यहाँ शोध किया तो उन्हें पता चला कि ये माउंटेन हर साल लगभग 66 फीट मूव करते हैं, और ऐसा इन पहाड़ों के साथ सदियों से होता आ रहा है। मैक्सिको जोन ऑफ साइलेंस। दोस्तों, मैक्सिको जोन ऑफ साइलेंस एक ऐसी जगह है जहां कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो छोड़िए, यहां सैटेलाइट से चलने वाले फोन भी काम करना बंद कर देते हैं। केवल इतना ही नहीं, इस जगह हमेशा रोशनी होते हुए भी एक अंधेरा सा रहता है, और इसी वजह से कोई भी बाहर की आवाज इस जोन में नहीं आ सकती। यहाँ ना कोई वाईफाई नेटवर्क है, ना कोई मोबाइल नेटवर्क, और ना ही कोई सैटेलाइट फोन यहाँ काम करता है। अगर इस जगह को सीधे शब्दों में कहें तो आप इस जगह आकर पूरी दुनिया से अलग हो जाते हैं। ये पूरा जोन केवल 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, परंतु इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है, जिसे सुलझाने में वैज्ञानिक भी नाकामयाब रहे हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस जगह के बारे में, कमेंट जरूर करें। वाटरफॉल पुणे। दोस्तों, आमतौर पर झरने पहाड़ों से नीचे की तरफ बहते हैं, लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि दुनिया में एक ऐसा भी झरना मौजूद है जो नीचे जाने की बजाय हवा में ऊपर की तरफ बहता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में इसी प्रकार का एक झरना मौजूद है। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती, क्योंकि एकमात्र यही कारण हो सकता है जिससे कि कोई चीज हवा में उड़ती रहे। लेकिन इस जगह के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पहाड़ के नीचे से काफी तेज हवा बहती है, जो एक सर्कल बनाती है, जिससे झरने का पानी नीचे गिरने की बजाय हवा के साथ साथ आसमान की तरफ उड़ता हुआ नजर आता है। हैसडालेन लाइट्स। दोस्तों, नॉर्वे की ये वैली वैसे तो एक बेहद ही खूबसूरत जगह है, लेकिन इस वैली में रहने वाले लोगों को हर दिन बेहद ही अजीब नजारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर रात उन्हें एक रोशनी हवा में उड़ती हुई नजर आती है। ये चमकदार होती है, और कमाल की बात ये है कि यह लाइट एक जगह रहने के बजाय आसमान में नाचती रहती है। ऐसा यहाँ पिछले 40 सालों से हो रहा है। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का रहस्य ढूंढने की कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। इसके बारे में लोगों का मानना है कि जो झील इस क्षेत्र में बनी हुई है वो रेडियो एक्टिव है, और वही अपने अंदर से ऐसी लाइट्स को रिफ्लेक्ट करती है, और हमेशा ये लाइट इस झील के ऊपर घूमती हुई नजर आती है। इस घटना को समझने के लिए कई टेस्ट किए गए, लेकिन इस घटना को समझ कोई नहीं पाया है। दोस्तों, आप सभी का क्या मानना है इन रहस्यमयी जगहों के बारे में, कमेंट जरूर करें।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।